बिजली करंट से हाथी की हुई मौत। लालकुआ के निकट ग्राम बच्ची धर्मा से विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन में उलझकर सुबह लगभग 5 बजे एक जंगली हाथी की मृत्यु हो गई। ग्रामीण यह हादसा प्रातः का बता रहे हैं। हादसे की वजह विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन का बहुत अधिक जमीन के निकट होना बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान रुक्मणी देवी का कहना है कि विद्युत विभाग को लिखित रूप से मार्च में अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके हाई टेंशन लाइन को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। बार बार कहने के बावजूद भी विभाग की लापरवाही के कारण आज एक हाथी की मौत हुई है। वहीं खेत स्वामी ने भी आरोप लगाया है कि हाई टेंशन लाइन का समय पर दुरुस्ती ना करना हाथी की मौत का बहुत बड़ा कारण है। क्षेत्र में हाथी की मौत को लेकर ग्रामवासी काफी आक्रोशित भी हैं। मृत हाथी को देखने के लिए ग्रामवासियों का जमावड़ा भी लग गया है, जिसे बामुश्किल वन विभाग व पुलिस की टीम भीड़ को हटा रही है। DFO संदीप कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया हाथी की मौत का कारण हाई टेंशन विद्युत लाइन लग रहा है। विद्युत विभाग की विरुद्ध कार्यवाही जल्द ही अमल में लाई जाएगी। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ही हाथी की मौत हुई है। इसमें आदमी मर सकता था, कुछ भी मर सकता था। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये पूरे विभाग की है। हमारे जो वो विधायक बने हैं, विधायक किस काम के हैं, वो काम क्यों नहीं कराते, देख के गए हैं इस बात को। ये कार कजी कजी करे थे, 2 से 3 फीट नीचे आ पहुंची, जमीन के पहुंच गया, तो ये 3-4 फीट ऊपर था। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग काफ़ी हाथियों की कंप्लेंट को लेकर बार बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क में थे कि हाथी जो है पंचायत काश्तकारों को फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कुछ फेंसिंग का काम चल रहा था, तो मैंने देखा सोलर ये हाई टेंशन लाइन जो झूल रही है। 2 दिन पहले मैंने लिखित रूप में भी विद्युत विभाग को आवेदन किया था कि हाई टेंशन लाइन किसी की जान लेगी, और आज वो चीज़ प्रूफ हो गई है। और ये जो तराई पश्चिमी से हाथी बार बार आ रहा है और यहाँ से गन्ना लेकर के जंगल की तरफ को जाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि शायद जंगल में कुछ हाथियों के खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। इस वजह से हाथी राजस्व गांव की तरफ को आ रहा है। और आज सामने प्रूफ हुई है कि हाँ, बच्ची धर्मा वाले क्या झेल रहे थे और किस बात का भय उनको लगातार बना हुआ था। असल में सर कहना चाहूँगी कि गौला रेंज वाले तो फेंसिंग का कार्य कर ही रहे हैं। आधे गांव में हमारे फेंसिंग का कार्य चल रहा था। हाँ, थोड़ा सा हमारे वो मजबूरी ये थी कि कुछ पेड़ जो हैं वो हमारी पंचायत में थे, उस वजह से फेंसिंग का काम थोड़ा सा काम रुका पड़ा है जी। जब हमें सोलर फेंसिंग का काम होना था तो आज ये दुर्घटना हो गई है। हम ये नहीं कहेंगे विभाग नहीं कर रहा, विभाग भी कर ही रहा है, रात को गश्त भी लगाते हैं वो लोग, लेकिन जो आज दुर्घटना हुई है वो विद्युत विभाग की लापरवाही से जी। अभी तक का तो नहीं पहुँचे, बल्कि सबसे पहले मैंने उन्हीं को सूचना दी थी। दृष्टि तो यही लग रहा है कि जो ये HT वायर है ये थोड़ा लो हैंग कर रही थी और संभवतः इनके द्वारा जो है ये सूंड से टच हुआ है और इसको करंट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। जो है ये पूरा टोटल जो है विद्युत विभाग की जो लाइन यहाँ से जा रही थी, तो प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है उसके कारण है, क्योंकि जिस तरह के वाउंड्स हैं और इसके नीचे से ये पूरा टोटल आया हुआ है, रगड़ इसको लगी है पूरा टोटल, तो ये करंट लगने से ही प्रथम दृष्टि जो है। नेग्लिजेंस तो है ही विद्युत विभाग का, क्योंकि मेरे को इन्होंने भी जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा भी जो है लिखित में उनको कहा गया था, और मौके पर भी हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि जब हाई टेंशन वायर है तो 11 kV का वायर है, तो नीचे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा टोटल जो है ये होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मामला जो है ये जो है मामला जो है वो दर्ज होगा और उसके अंतर्गत जो है कार्रवाई जो है वो कंसर्न अधिकारियों को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के खिलाफ केस लड़े कार्रवाई होगी।